हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर थर्ड प्लांट किंगडम ऑफ क्लास इलेवन्थ बायोलॉजी तो हम लोग जिम्नोसपॉम्स तक कर चुके थे तो अब हम लोग शुरू करेंगे एनजीओस्पाम्स से तो so, जिम्नोस्पाम और एनजियोसपम में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि एनजियोसपॉम्स में फ्लावर्स होते हैं हम लोग के पास और जिम्नोसपम्स में फ्लार नहीं होते हमारे पास अनलाइक द जिम्नोस्पाम्स हुए द व्यूल्स आर नेक्ट डिम्नोसपर्म्स में क्या था ओव्यूल्स बिल्कुल नेक थे उन पर कोई भी एक्स्ट्रा शेल्डिंग नहीं थी इन द एनजीओसपर्म्स ऑफ फ्लारिंग प्लांट्स द पोल ग्रीन्स एंडल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कोल्ड फ्लार्स तो इसमें जितने भी पोलरग्रेन्स आएंगे ओव्यूल्स होंगे वो सबके सब फ्लार्स के, सब के अंदर होंगे ओके okay? एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होगी फ्लार उसके अंदर आपको सभी के सभी पोलग्रीन्स uh, और ओव्यूल्स देखने को मिलेंगे इन एनजीओ स्पर्म्स द सीड्स आर एन क्लोज इन फ्रूट्स तो एंजियोस पर्म्स में जो सीड्स होंगे वो फ्रूट्स के अंदर होंगे बाहर देखने को नहीं मिलेंगे जबकि जिमनोसपम्स के वो बिल्कुल एक्सपोज होते थे टू देयर इन्वायरमेंट यानी कि बिल्कुल बाहर होते थे एंजियोस पम्प्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लाट्स अक्रीम इन अ वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स तो उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़े ग्रुप को एक साथ लेकर आते हैं यानी कि बहुत बड़ा ग्रुप है लार्ज ग्रुप है और इसके हैबिटेट की जो वेरिएशन है वो भी बहुत ज़्यादा है वाइड रेंज है पूरी जैसे बोलो डेजर्ट्स में भी हो सकती है और हिली एरियाज़ में भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है हमारे वहाँ पर भी हो सकती हैं डिन में भी हो सकती हैं और पेनासोलर इंडिया में भी हो सकते हैं यानी कि साउथ इंडिया में भी हो सकते हैं तो बहुत बड़ी रेंज देखने को मिलती है हम लोग को थ्रू आउट द वर्ल्ड हम लोग को ये रेंज देखने को मिलती है तो ये छोटे से लेकर के एक बहुत बड़े ट्री तक है ना एक छोटा सा ट्री होगा फ्यू सेंटीमीटर्स का उससे लेकर के हंड्रेड मीटर्स के बड़े बड़े फ्लावर्स तक इतनी वाइड रेंज है इसके फ्लावर्स की दे प्रोवाइड अस विद फूड फोडर फ्यूल मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स तो इनकी जो हमारे पास इकोनॉमिक वैल्यू मेडिसिनल वैल्यू जो भी बोल लो आप हमारे फूड में ही आते हैं फोर्डर में आते हैं एज अ फ्यूल इनको यूज़ किया जाता है मेडिसिन में यूज़ किया जाता है और बहुत सारी कमर्शियल वैल्यूज़ हैं इसकी ओके okay? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में दे आर डिडेड इन टू टू क्लासेस तो इनको आगे दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है डाई कोटली डोन्स एंड मोनो कोटली डोन्स तो जो डाई कोटली डोन्स हैं उसमें क्या है कि उसमें हमेशा हम लोग को दो कोटली डोन्स मिलेंगे और मोनो कोटली डोन्स में हम लोग को सिर्फ एक कोटली डोन मिलेगा जो डाई कोटली डोन्स हैं दे आर करेक्टराइज बाई दीड्स हैविंग टू कोटली डोन्स रेटिक्यूलेट नीशन इन लीव्स एंड टेट्रामस और पेंटामैरिस फ्लावर्स तो इसमें हो सकता है चार या पांच है ना टेट्रामस या फिर पेंटामैरिस फ्लावर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे एक ही फ्लोरल वॉल पर यानी कि हैविंग फोर और फाइव मेम्बर्स इन ईट फ्लोर वॉल्स तो हर फ्लोरल वॉल पर हम लोग को सॉरी हर फ्लोरल होल पर हम लोग को ये देखने को मिलेंगे होल्स या होल्स ये होगा प्रनाशन इसकी द मोनो द मोनो कॉटलीडोन्स ऑन दी अदर हैंड आर करेक्टराइज बाई सिंगल कॉटलीडोन सीड्स तो इसमें हमेशा हम लोग को सिंगल कॉटलीडोन सीड्स ही देखने को मिलेंगे पैलर वेनिएशन उसमें कौन सी वेनिएशन थी रेटिकुलेट और इसमें कौन सी है पैलर वेनिएशन इन लीव्स ट्राई मैरिज फ्लावर्स हैविंग थ्री मेंबर्स इन ईच प्रोलर होल्स ठीक है तो इसमें जो हम लोग के पास फ्रोलर होल्स होंगे Holes, okay? तो उसमें क्या होगा उसमें हम लोग को सिर्फ सिर्फ तीन मैंबर देखने को मिलेंगे जबकि जो डाइट तो, डाइकोटलीस थे उसमें चार या पाँच थे हम लोग के पास देन द मेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर इज अ स्टेमिन तो इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा वो क्या होगा स्टेमिन होगा जो जिसके पास जिसके साथ और क्या क्या अटैच होगा एक सिलेंडर फिल्मेंट और एक एंथर एट द टिप विद इन द एंथर्स द पोलर मदर सेल डिवाइड बाय मोसिस टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स विच द च्योर्स इन टू पोलर ग्रेन्स तो क्या होगा जो एंथर के अंदर हम लोग के पास पोलर मदर सेल्स होंगे वो डिवाइड होंगे विद इन माओसिस प्रोसेस और वो प्रोड्यूस करेंगे आगे चल करके माइक्रोस्पोर्स जो कि बाद में हम लोग के पास पोलर ग्रेन्स बनेंगे एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लार इज पिस्टल तो फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा मेल तो हो गया हम लोगों के पास स्टेमिन तो फीमेल कौन सा होगा फीमेल होगा पिस्टल ओके द पिस्टल कंसिस्ट इज अलन अवरी एट इट स्पेस अ लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल एंड स्टिग्मा तो वहीं पर हम लोग के पास एक स्लेंडर स्टाइल भी होगा और स्टिग्मा भी होगा और जो पिस्टल होगी उसमें एक सोलन अवरी होगी यानी कि इच आ, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर होगी वहां पर ओके okay? तो ये देखो एनजियम्स ये कौन से हैं ये डाइटोक्डोन्स हैं और ये मोनोकोटलीडोन्स हैं कोटलीडो ओके okay? तो जो लिखा हुआ है यहीं पर दिया हुआ है आपको ये देखो सबसे पहले क्या हुआ क्या बना हम लोग के पास सबसे पहले बने माइक्रोस्पोर्स यानि के पोलर ग्रेन्स पोलर ग्रेन्स बाद में किसके साथ अटैच करके मेल गेमिटोफाइट्स के साथ मेल गेमिटोफाइट्स ये क्या बन गया हम लोग के पास गेमीट्स बन गए और दोनों के फ्यूज होने से बन गया एग और एग से आगे बन गया हम लोग का सॉरी मेल गेमिटोफाइट्स के और एग के मेल से क्या बन गया हम लोग के पास गेमिटोफाइट सॉरी हमारे पास बन गई जायगोट तो जायगोट से आगे आएगी हम लोग के पास एम्ब्रियो स्टेज ओके तो एम्ब्रियो देख लिया ये हो गया स्पोरोफाइट्स और बाद में आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ से इस फ्लार की स्ट्रक्चर को अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर फ्लार के बिल्कुल सेंटर में जो आपको तीन चार जैसे बोल सकते हो पंखुड़ियों के बीच में जो दो तीन बाहर को निकले हुए होते हैं उसके सबसे ऊपर क्या होगा ये होगा स्टिग्मा ये हो गया उसका स्टाइल प्रिय हो गया उसकी स्वॉलन अवरी कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर ओके तो ये हो गई अवरी और इस अवरी के अंदर क्या होगा इस अवरी के अंदर होंगे ओव्यूल्स Okay. तो ये देखो यहाँ से क्या बना यहाँ से ये रहा एंथर ये रहा इसका फिलामेंट और यहाँ पर क्या होगी यहाँ पर होगी मेगास्पोर्गेंशियम तो यहाँ होगी माइक्रोस्पोर्गेंशियम दोनों के मिश्चार... और फिर यहाँ से बन जाएंगे माइक्रोस्पोर्स ओके देन इसी सॉरी द मेगा से हम लोग के पास आ जाएगा एग ओव्यूल से एग आएगा बहुत गंदा हो गया साफ कर लेते पहले ओके ओव्यूल से हम लोगों के पास क्या आएगा एग आएगा और यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर्स बनी है उससे माइक्रोस्पोर एक आया मेल गैमिटोफाइट में गया यहाँ पर गैमीट बने मेल गैमिटोफाइट्स के और यहाँ पर इसका एग आया और दोनों के मिलने से क्या बना यहाँ पर डाइगोर्ट बन गया ये पूरी प्रोसेस इसी तरह से चलती जाएगी ये मिच्योर होंगे दोबारा तो इसमें मेगास्पोर्गैनजियम और माइक्रोस्पोर्गैनजियम्स प्रोड्यूस होते जाएंगे उनके मिश्रण से फिर हम लोग के पास डाइगोर्ट बनता जाएगा और उससे आगे हम लोग के पास प्लांट्स आते जाएंगे ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द साइंस क्लासेज एंड ऑन इंस्टाग्राम